तो जैसे कि दोस्तों आप भी अपनी व्हाट्सएप को चालू करो तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज दे रहा है, यानी कि दोस्तों आपकी नंबर को बंद कर दिएगा, इसका मैसेज के मतलब है। तो दोस्तों आप लोग इस नंबर को कैसे चालू करोगे, दोस्तों सबसे पहले आपको मैं भी बता दूं तो कौन सी व्हाट्सएप आप लोग यूज कर रहे हो, तो आपको सामने ऐसा दिक्कत देखने के लिए मिला। आप लोग दोस्तों जी भी व्हाट्सएप चाहे और कोई भी व्हाट्सएप अदर आप लोग यूज कर रहे हो तो ऑफिशियल व्हाट्सएप आप लोग यूज नहीं कर रहे थे, तभी जाके आपको मेरे ये वाला दिक्कत देखने के लिए मिल रहा। तो दोस्तों इस नंबर को आप लोग कैसे चालू करवाओगे इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर जाके जानकारी आपको वहां पर देते हैं। मैं अपनी फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर क्या करना, अपना व्हाट्सएप को चालू करना, और जैसे ही व्हाट्सएप चालू करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो थ्री डॉट पर क्लिक कर देना और हेल्प वाला पर क्लिक कर देना, और जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों फिर से आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ऊपर पहला मेथड मैं बताने वाला हूं, ठीक है, आपको ऊपर एक काम करना। अब दोस्तों आपकी जो भी दिक्कत आ रहा है उस दिक्कत को आपको हमारा स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारे यहाँ से अपलोड करना। चलो मैं उस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैसेज में आपको ऊपर क्या चीज़ लिखना है, मैसेज में दोस्तों ये चीज़ आपको ऊपर लिखना है जो आपको ऊपर मैं शो करा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी नंबर बैन है वो नंबर को आपको हमारे यहाँ से डाल देना, नंबर डाल दोगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से नेक्स्ट वाला पर क्लिक करना। अब नेक्स्ट वाला पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा आएगा, तो फिर से दोस्तों इस वाला पर क्लिक कर देना और क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों अपना जीमेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चलो मैं अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में देखना, जैसे कि दोस्तों आपको हमारे जो मैसेज है वही खाली मैसेज आपके रहना चाहिए, इतना आपके मैसेज है वही रहना चाहिए, और जो नीचे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो पूरा दोस्तों आपको ऊपर कट कर देना है। यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देख लो आपको ऊपर ऐसे कॉपी कर देना और यहाँ से कट वाला पर क्लिक कर देना, तो आपके यहाँ से कट हो जाएगा और जो भी आपके मैसेज है वो आपके मैसेज रहेगा और आपकी जो नंबर है वो नंबर रहेगा, इतने आपके पास खाली रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको हमारा सेंड वाला पर क्लिक कर देना, और सेंड वाला पर जैसे क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट आपको ऊपर चला गया व्हाट्सएप टीम वाले के यहाँ पर। अब दोस्तों आपको वहाँ पर 2 से 3 मिनट में आपको वहाँ पर एक मेल आएगा, आपको हमारे वीडियो बनाते बनाते आपको वो मेल भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब हमारे पहला काम आप लोग कर लिए, अब दोस्तों आपको हमारे दूसरा काम जो करना है, अब आपको हमारे फिर से थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको हेल्प वाला पर क्लिक कर देना है। तो आपको ऊपर यहाँ पर बाएं साइड में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिंक पर दोस्तों आपको ऊपर क्लिक कर देना है। अब लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर ब्राउजर में लेकर चले जाएगा, और अब यहाँ पर ब्राउजर में लेकर आ चुका। अब दोस्तों आपको ऊपर क्या करना, थोड़ा सा नीचे आना, अब नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर गेट एंड टच दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाला पर दोस्तों आपको ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको हमारे दूसरा ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा मैसेज, तो इस वाला पर आपको हमारे चले जाना। अब आएंगे तो दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको हमारे सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों आपको हमारे जो भी नंबर बंद कर दिया गया है वो नंबर को आपको हमारे यहाँ पर डाल देना, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों जो मेरी नंबर है वो नंबर को मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर अपना नंबर डाल दियो, कंट्री डाल दियो, और थोड़ा सा नीचे आना दोस्तों, और नीचे आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर जीमेल आईडी डालने बोलेगा, तो जीमेल आईडी आपको वही जीमेल आईडी डालना कि आपकी फ़ोन में रहे, क्योंकि दोस्तों इसे जीमेल आईडी पर आपको वहाँ पर मैसेज किया जाएगा, तो आपको वहाँ पर जीमेल आईडी यहाँ पर डालना ही डालना है, ठीक है। फिर कंफर्म जीमेल आईडी डाल देना। चलो दोस्तों मैं यहाँ जीमेल आईडी भी डाल देता हूँ, वही जीमेल आईडी डाल देना कंफर्म में, ठीक है। जीमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आना, अब नीचे आएगा तो दोस्तों आपको वहाँ पर कौन सी फ़ोन है, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में चला दो व्हाट्सअप, तो आपको वहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन सेलेक्ट करना, अगर आईफोन में चला दो तो आईफोन सेलेक्ट करना, मतलब जो भी मैं चला तो वो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब दोस्तों नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वही चीज़ आपको हमारे सेम टू सेम लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ से प्लस जो लगाया रखा है वहाँ से दोस्तों अपना नंबर लिख देना। अब नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपकी काम यहाँ से हो चुका है। अब दोस्तों आपको हमारे यहाँ से क्या करना, आप यहाँ से सेंड मैसेज वाला पर क्लिक कर देना। अब जैसे सेंड मैसेज वाला पर क्लिक कर दोगे उसके बाद दोस्तों आपको 10 से 15 मिनट के बाद आपके पास एक मेल आएगा। आप तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो